फाउंडर मेंबर ऑफ हिप्पो कॉर्पोरेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे D2S के बारे में, डिग्री टू सैलरी। कई बार ऐसा देखा है कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और आप पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं, लेकिन आप अपने आप को प्रूफ कब करेंगे? जब आपका जॉब लगे, जब आप इंटरव्यू पास कर पाए और आपका कॉलेज या आपकी कोचिंग जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको टेक्निकल तो पढ़ाते हैं लेकिन वो चीजें नहीं पढ़ा पाते या वो चीजें नहीं बता पाते जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम की होती है। जैसे कि हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर्स, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि व्हाट्स योर हॉबी। जब ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के सामने आता है तो उसे लगता है कि मैं क्या करता हूं, इससे क्या मतलब। लेकिन ये हॉबी वाला क्वेश्चन आपके नेचर को बताता है। जैसे कि यदि आप सेल्स इंटरव्यू में गए हैं और आपने बोला कि मेरी हॉबी शतरंज खेलना है तो शायद वो व्यक्ति आपको नहीं लेगा, क्योंकि आपका नेचर ही बता रहा है कि आप स्लो काम करते हैं और उसे एक एग्रेसिव व्यक्ति चाहिए। वैसे ही व्हाट्स योर वीकनेस, 90% लोग अपनी वीकनेस के नाम पे बताते हैं कि जी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और यदि कस्टमर इंटरेक्शन वाला कुछ काम है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। वैसे कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ या क्या कारण है कि मैं आपको अपनी कंपनी में लूं। दूसरी बात करें तो सीवी और रिज्यूम, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कई लोग इसे सेम समझते हैं, सीवी के कंटेंट अलग होते हैं, रिज्यूम के कंटेंट अलग होते हैं, ये दोनों चीजें एक चीज नहीं होती। कहां सीवी देना है कहां रिज्यूम देना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पहुंचने से पहले आपका सीवी या रिज्यूम उस टेबल पे होता है। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एटीट्यूड को कैसे कैरी करा जाता है, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है। बॉडी लैंग्वेज, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपको कब रिजेक्ट कर सकते हैं आप नहीं समझ सकते। वैसे ही सर्टिफिकेशन, हम समझते हैं कि हमें सिर्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसके साथ दूसरे सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यदि वो भी आप लेके जाएं तो बहुत काम के होते हैं। ऐसे कई कैटेगरी में हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि नॉन टेक्निकल चीजों में आप किस तरह से उस इंटरव्यू करके क्वेश्चन का आंसर दे के अपने आप को सिलेक्ट करवा सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ आप बेहतर हैं उस पर्टिकुलर जॉब के। तो यहाँ D2S आपको बहुत सारे वीडियो देगा अलग अलग कैटेगरी के। ये वीडियो के साथ साथ हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और देंगे और वो होगा लाइव चैट। लाइव चैट यानी कि आप अपने विंडो पे जाके लाइव चैट में लिख सकते हैं कि आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मेरा एक इंटरव्यू है, जिस कंपनी में मैं जा रहा हूं उसका नेचर ऑफ बिजनेस ये है और जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूं वो इस जॉब के लिए जा रहा हूं। तो आपको यहां से एडमिन या ट्रेनर आपको पूरी डिटेल देंगे कि जिस नेचर ऑफ बिजनेस की कंपनी में आप जा रहे हैं उसके लिए इन इन क्वेश्चंस की तैयारी करिए, आपका अटायर ये होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट में एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ ये वाले सर्टिफिकेट्स भी होना चाहिए, प्लस आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले ही मिल जाएंगे, या मैं कहूं कि उन क्वेश्चन के पूछने का ऑब्जेक्टिव आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये